दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है HRI न्यूज़ पर। मोदी सरकार का बेहद ही खतरनाक प्लान अब सामने निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, बिजली संकट पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस समय केंद्र की मोदी सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे देश में कोयले की भारी कमी है, और ये कमी सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है ताकि बिजली उत्पादन प्लांटों को प्राइवेट कंपनियों को मोदी सरकार बेच सके। ये बड़ा दावा दोस्तों राकेश टिकैत ने किया है। राकेश टिकैत लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और इसी क्रम में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों अब यहाँ पर निजीकरण का एक ताज़ा उदाहरण भी जानिए आप लोग। अब जयपुर एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में मोदी सरकार ने 50 साल के लिए लीज पर सौंपा है। केंद्र सरकार ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण भी अडानी समूह को दे दिया है। दोस्तों अभी तक अडानी ग्रुप के पास पहले से ही 6 एयरपोर्ट पर कब्जा था और अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में है। और इसी क्रम में दोस्तों अब केंद्र सरकार देशवासियों को ये दिखाना चाहती है कि वहाँ बिजली उत्पादन नहीं कर सकती है, कोयले की कमी की भरपाई नहीं कर सकती है, आपूर्ति सही ढंग से नहीं कर सकती है, इसीलिए अब इन बिजली उत्पादन प्लांटों को भी निजी हाथों में दे देना चाहिए जिससे कि जनता विरोध भी ना करे और मोदी सरकार का काम भी चल जाए, उसके मित्रों की मदद हो जाए। ये यहाँ पर दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अगर आप लोग भी मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए दोस्तों, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत